हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप एक लर्नर हो, आपकी अभी 18 ईयर की एज कंप्लीट हुई है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका बनता है लर्नर लाइसेंस, जिसके लिए आपको पास आउट करने पड़ते हैं कुछ ड्राइविंग टेस्ट। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? फर्स्ट टेस्ट होता है, वो होता है लर्नर टेस्ट। सेकेंड होता है एच टेस्ट एंड रोड टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे एच टेस्ट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसमें पूछते हैं, कैसे गाड़ी चलानी होती है। तो आप मेरी साइड की विंडो पे यहाँ पे देख सकते हो, आपके यहाँ पे वीडियो चल रही है। तो यहाँ पे आपको गाड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप टेस्ट देने जाओगे ड्राइविंग टेस्ट, तो आपको अपनी खुद की गाड़ी लेके जानी पड़ती है। तो इस टेस्ट में मोस्टली गाड़ी चला के देखी जाती है फ्रंट। तो देख सकते हो, जैसे कि एच शेप बना हुआ है, एच शेप में, तो गाड़ी पहले सीधी बिल्कुल आपको लेके जानी है, देन वहां से आपको रिवर्स गियर लगा के बैक लेके आनी है, और बैक लेके आपको पीछे की तरफ सेकेंड लेन में, यानी एच की दूसरी वाले जो लॉन्ग लेन है वहां पे लेके आनी है, देन उसको फॉरवर्ड लेके फिर वहां से रिवर्स लेके गाड़ी को बाहर लेके आना। तो ये है एच टेस्ट, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। तो एक बार मैं ये वीडियो आपको सारी स्लो करके दिखा देता हूँ, आप अच्छे तरह से देख लो। तो अगर आप भी अपना लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहते हो कई जगह पे, तो प्रॉपर जो होते हैं ड्राइविंग टेस्ट लिए जाते हैं, तो ये वाली वीडियो आप देख के जाएं, और आपको एक तो कन्वीनियंस होगी कि कैसे टेस्ट पास आउट करना है और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। सो मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Thank you.